तो क्या हाल चाल सभी के। आज हम खेलने जाए ग्रैनी का दूसरा, ये दूसरा एपिसोड है। तो चलिए एक इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। तो इंट्रो होता है ख़त्म, अब हम अपना खेला शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले बार भी ग्रैनी खेला था और पिछले बार हम मर चुके थे, ग्रैनी ने हमें छत से नीचे फेंक दिया था और हम मर चुके थे। तो इस बार फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस बार क्या होता है, क्या हम बच पाएंगे या फिर ग्रैनी हमें फिर से मार देगी। तो यहाँ पर हम बेड से उठे और यहाँ पर गेट खोला और जैसा कि हम हमेशा करते हैं इस गेट से इस वाले गेट पर गए। और इस वाले गेट पे जाने के बाद हमने सबसे पहले चेक किया बाथ टब, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और हमको ये पॉटी, छी छी छी, पॉटी में से मिल गई गाड़ी की चाबी। क्या करे यार, मजबूरी का नाम आता है। अरे यार ग्रैनी मारी थी भाई, ये क्या था। मतलब ग्रैनी इतना तेज़ हो चुकी है, लगता है पिछली बार संडे का तेल लगाने के लिए कहे तो इस बार लगा के आई है भाई। क्या तेजी, मतलब आवाज़ आई ही नहीं मेरे को, पट से आई और सट्ट से मार के निकल ली। फिर से हम दोबारा उठे, ये हमारा डे टू फिर स्टार्ट हो गया। मतलब अभी डे वन ख़त्म इतनी जल्दी हो गया कि बस बोले नहीं कि डे वन ख़त्म। यहाँ पे हमने कार की चाबी उठाई जो हमने पॉटी से निकाली थी। ये ग्रैनी आई, ग्रैनी आई, भाग भाई भाग भाग, आज तो ज़िंदगी की आखिरी रेस है, आज आज रुका तो इसके बाद कभी नहीं रुकेगा, भाग भाग भाग। अरे गत्ता गिरा, गत्ता गिरा, ग्रैनी मार दी रे, खोपड़ा खोल दी, खून फेंक देता है भाई, लाल लाल खून। ग्रैनी को खून बहुत पसंद है। ग्रैनी छोड़ देना, पिछली बार भी तेरे से रिक्वेस्ट की थी, इस बार भी कहता हूँ, बच्चा समझ के छोड़ दे, तेरे नाती पोते होंगे उनको, उनकी तुझे कसम है, छोड़ दे रे ग्रैनी, छोड़ दे। फिर से हम उठे, इस बार हम लगड़ाने लगे हैं क्योंकि ये डेथ थ्री है। ग्रैनी ने मार मार के हमारी हड्डियाँ सुजा दी हैं। बहुत आरामी ग्रैनी है भाई, बहु मारती है। और यहाँ पे अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिला है, खास कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे हम ग्रैनी से बच बुचा के कैसे भी अपने टांगों को तोड़वा के, गत्ता भाई ये गत्ता है कि क्या है। ग्रैनी आई, ग्रैनी आई, भाग भाई भाग, अब तू भाग मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा, क्या करेगा। अरे गेट खोलना, अरे पकड़ ली रे बाबा, फिर से मारी रे डंडा। भगवान ग्रैनी से बचा ले, कसम से 2 किलो नारियल चढ़ाऊंगा एक बार बचा ले। डे फोर, मतलब अभी गेम को स्टार्ट हुए सिर्फ 2 मिनट नहीं हुए, हम डे फोर पे आ चुके हैं। देख रहे हो ग्रैनी कितना तेज़ आ चुकी है, सांडे का तेल का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रही है अपने पैरों पे। इसके बाद फिर से हम उठे और हमने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हम फिर से कोशिश किए, फिर से किया गेट को हमने ओपन अपने कदमों, जो कि हम लंगड़ा चुके हैं उसी कदमों से हम अपने कदमों से नीचे गए और हमने गत्ता गिराया। और गत्ता गिराने के बाद घुसे घर के अंदर, तेरी माँ की ग्रैनी, ग्रैनी। अरे यहाँ पे हमको एक अच्छा चीज़ मिल गया, विंच हैंडल। ये हैंडल वहाँ पे, पहले तो हमको कुछ समझ नहीं आया कि हैंडल कहाँ पे काम आएगा, फिर हमें याद आया इस गेम में तो एक कुआं है, उस कुएं में ये हैंडल लगा के हम उसके ऊपर से सामान कुछ ला सकते हैं। तो हमने ये सब भी खोला कि यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। हम सबसे इम्पोर्टेंट खोज रहे थे वेपन की। देख रहा भाई कितनी तेज ग्रैनी आ रही है, मतलब क्या ही बताए भाई साहब, कड़ियाँ तोड़ देगी ये ग्रैनी सबकी। यहाँ पे आई, हम ग्रैनी का कर रहे थे इंतज़ार, ग्रैनी लेकिन यहाँ नीचे नहीं आई। पता नहीं, शायद होगा उसका कोई नशे, उसको नशे करने जाने होंगे। पन्नी फूकेगी अभी, वो पन्नी जलाएगी और मस्त फूक के सो जाएगी, और जैसी आवाज़ आएगी फिर उठेगी। और हमने जैसी आवाज़ किया हम भागे, हम आओ देखे ना ताओ, हमने कहा भाग रे, आज ज़िंदगी की आखिरी रेस है। मतलब अगर हम इस बार चाहते तो अच्छे से मिशन कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि सब सामान एकदम आस ही पास रखा था, चाहे वो स्पेशल की हो गया, चाहे वो हैमर हो गया, चाहे वो रेंच हो गया, चाहे विंच हैंडल हो गया, चाहे वाटर लेमन, कुछ भी था, सब कुछ अच्छे से रखा हुआ था एकदम आमने सामने। लेकिन जब ज़िंदगी में, जब किस्मत में लिखे हो लौड़े, तो कहाँ से खाने को मिलेंगे पकौड़े, पबजी का डायलॉग अभी भी याद है। तो अब हम फिर से अपने दबे पाँव, ये तो मिट्टी है, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होती, चाहे हम यहाँ पे अपना सर पटक लें, अपनी गांड घसट लें, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हम जैसे ही ये गेट खोला, यहाँ पे हमको दिखा पार्ट ऑफ शॉटगन, लेकिन उससे पहले ही हो गई हमसे गलती, हमने गिरा दिया ग्रैनी का रखा हुआ ट्रैप से रखा हुआ क्रैन। लोहा गिरते ही हुई आवाज़ ग्रैनी के कानों में पड़ी, आवाज़ ग्रैनी ने कहा तेरी बहन का। और ग्रैनी देख भाई, वहाँ पे अभी ग्रैनी आ ही रही थी, और यहाँ पे हमने थोड़ा लेट किया, और जैसे मैं पीछे पलटूंगा
ग्रैनी इज हियर, मतलब इतना तेज चलती है, इससे तेज तो भाई मिल्खा सिंह ना भाग पाए, उस ग्रैनी को अगर भगा दे तो भाई भारत के लिए ओलंपिक लेके चली जाए, इतनी तेज चलती है। चल ग्रैनी कोई ना, तो सांडे का तेल का कुछ ज़्यादा ही उपयोग कर रही है। कोई बात नहीं ग्रैनी, कोई बात नहीं, तेरे घर से तुम्हें भाग के रहूँगा, आज ना भागा तो कल भागूँगा, कल ना भागा तो परसों भागूँगा, भाग के तो एक दिन पक्का रहूँगा ग्रैनी, और तुझे भाग के दिखाऊँगा, और तू पीछे से बस आई सी यू कहती रही हो, और तू कुछ ना कर पाएगी ग्रैनी, कुछ ना। अबे गंदी से शकल की साला सुअर की टट्टी, क्या ही बोलूँ यार, उम्र का लिहाज कहते हुए गाली भी नहीं निकलती। कोई ना, हमारा टाइम आएगा ग्रैनी, हम भी तुमको दिखाएंगे कि संस्कारी चीज क्या है। फिर हम यहाँ पे आए और अब हम जाएंगे कुएं के पास। भाई इतनी बूढ़ी ग्रैनी एक जवान से बच्चे को मार देती है और ये बच्चा कुछ नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, हमने कहा ना यहाँ लगेगा, थोड़ा बहुत याद है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रैनी आ गई। भाग भाई भाग 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 भाग, बाबा ना छोड़ेगी, खून लेके ही रहेगी ये मेरा। फिफ्थ डे द लास्ट डे, आज आ गया पांचवा दिन, मतलब ये गेम, पिछली बार तो हमको ये गेम कंप्लीट करने में कम से कम 20 मिनट लगे थे, और अभी तो हमको लगता है कि 10 ही मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम आए, हम इस खिड़की के पास सोच रहे होंगे कि हम क्यों आए, हमें लगा कि इस खिड़की के पास कोई रास्ता होगा जैसे पिछली बार था। अबे भाई उतरते ही हमने, उठते ही हमने सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने ही रूम का टेबल गिरा दिया, और ग्रैनी का आवाज़ पड़ते ही आ गई वो, देख साली को कैसे देख रही है, ग्रैनी मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, देख साली जाती कितने धीरे भाई और आती कितनी तेज है, अभी तुमको पता चल जाएगा ग्रैनी की स्पीड कितनी है, मतलब लाइट की स्पीड, जानते हो लाइट की स्पीड, उससे भी तेज है, देख 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 देख, साली पीछे पलटी और सट से पहुँची, अब कितनी देर तक यहाँ पे खड़ी रहेगी अब बस तुम देखना। मतलब ग्रैनी तेरे को ना खाना बनाने का है, ना खाना खाने का है, ना बर्तन धुलने का है, भाई फटे हुए कपड़े पहन के चली आती है रे ग्रैनी, क्या रे ग्रैनी, देख साली कितनी धीरे जा रही है ये, मैं तो इसके पीछे आ गया, साला मैं तो पीछे आ गया, ग्रैनी के पीछे आ गया। अब ये यहाँ पे रखेगी अपना लोहे का औजार, औजार यार क्या ही बोल रहा हूँ मैं, औजार नहीं, अपना ट्रैप बिछाएगी और चली जाएगी, और यहाँ पे कार की पड़ी है जो मुझे लेनी है, और वहाँ पे भी कुछ दिखा, ये ग्रैनी आई, देखना जैसे मैं बेड के पास जाऊँगा ग्रैनी गेट से अंदर करेगी, और यहाँ पे प्लीज़ भाई, मतलब मैं जब खेल रहा था मेरी गांड फट गई, गांड फटी इतनी जोर से कि आवाज़ भी बहुत गंदी आई। अबे भाई ग्रैनी ने गाड़ी तो बना ली बे, क्या करेगी ये इस बार, मैं ऐसे पहले कभी नहीं मरा, ग्रैनी नहीं अबे हाथ हिला रही है बे, नहीं 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 ग्रैनी नहीं, अबे गाड़ी, अबे ग्रैनी मर जाऊंगा, अबे 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 पत्ते छोड़ दे यार, थैंक यू।